अमेरिकी मूल की कारोबार और वित्तीय सेवा कंपनी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.2% कर दिया है। पहले इसके 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया था। कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भी ग्रोथ रेट के अनुमान को 0.6% घटाकर 6.7% कर दिया है, जबकि पहले इसके 7.3% रहने का अनुमान जताया था। मूडीज इन्वेस्टर सेवा ने शुक्रवार 23 अगस्त को जारी एक बयान में कहा कि कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था से एशियाई निर्यात प्रभावित हुआ है, अनिश्चित वातावरण की वजह से निवेश पर असर पड़ा है। इससे पहले अगस्त की शुरुआत में रेंटिंग एजेंसी CIRSIL ने 2019-20 के ग्रोथ एस्टीमेट में संशोधन करते हुए इसे 6.9% बताया था, जबकि उससे पहले इसे 7.1 आंका गया था। वहीं अगस्त में द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में RBI ने भी 2019-20 के लिए GDP ग्रोथ रेट को घटाकर 6.9% कर दिया था, जो कि पहले 7% थी। यही नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी भारत की विकास दर में 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर चुका है। आर्थिक क्षेत्र में दबाव के अप्रत्याशित होने से जुड़े नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के बयान को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि यह अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति का कबूलनामा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने स्वीकार किया है कि अर्थव्यवस्था में ऐसी परिस्थिति 70 साल में कभी उत्पन्न नहीं हुआ है जो आज है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, संभव है कि भाजपा सरकार इसके लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराएगी, लेकिन हकीकत क्या है कि सरकार ने यह स्थिति खुद ही पैदा की है, क्योंकि नोटबंदी और जल्दबाजी में लगाई गई GST के कारण यह स्थिति बनी है। MNTV ब्यूरो। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।